अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बायोग्राफिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपके पास क्या है, इसके अंदर हम लोग जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये हमारा बहुत ही फेवरेट टूल है जिस सॉल्व करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, और ये तब यूज किया जाता है मेथड जब आपके पास पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी स्पेसिफाइड हो आपको बाउंड्रीज पे किसी भी रीजन के, और हमें कहा यह जाए कि अब आपने इंटीरियर रीजन में पोटेंशियल फाइंड करना है। बेसिक स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, ऐसे सोल्यूशन हम देखना चाहते हैं जो कि फंक्शन हो, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने उसे देखना होता है। ऐसा पोटेंशियल हम जो है वो ऐसा सोल्यूशन हमने फाइंड करना होता है जो प्रोडक्ट का फंक्शन हो, और हर फंक्शन जो है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। मतलब आपके पास जो है अगर एक्स वाई जी थ्री डायमेंशनल अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो उसको हमने स्प्लिट करना होता है तीन फंक्शन के अंदर, इस तरह कि हर पोटेंशियल जो है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे। लेट्स सपोज वी ए एक्स हो, एक वी वाई हो, एक वी जेड हो, वी एक्स सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा हो, वी वाई सिर्फ वाई पे, और वी जेड सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रहा हो। तो आपके पास अब हम इस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम मेथड डेवलप करेंगे कि किस तरह से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज करते हुए किसी भी पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट में भी हम इन्हें सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व करेंगे, और फिर इन्होंने एक सिलेंड्रिकल का केस आपको प्रॉब्लम के तौर पर दिया है जो आपने खुद टैकल करना है। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं बुक साथ ओपन करके उसमें से आपको दिखाती हूँ कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है हमारे पास दो इनफाइनाइट ग्राउंडेड मेटल प्लेट्स हैं और उनको एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने रखा हुआ है। एक वाई इजिकल टू जीरो के ऊपर है, सॉरी एक्स जेड प्लेन में हमने रखा है, एक वाई इजिकल टू जीरो पे है पोजीशन पे, और एक वाई इजिकल टू ए पोजीशन पे। और यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट एंड है एट एक्स इजिकल टू जीरो, ये वाला जो ग्रे ब्लैक है ये क्लोज है, ये स्ट्रिप जो है वो इनफाइनाइट है और ये इंसुलेटेड है फ्रॉम द टू प्लेट्स, और इसका अपना एक पोटेंशियल है वी नॉट जो कि फंक्शन है वाई का। हमने पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड दिस स्लॉट। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो ये प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास एक्स जेड प्लेट है, ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ पे ये वाली जो ब्लैक सी स्ट्रिप है ये आपके पास जो है प्लेट, ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है, और आपके पास जो है इसका जो पोटेंशियल है वो y का फंक्शन है, ठीक है। तो आपके पास जो है z के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है इस तरीके से कि आपके पास जो है वो जो है y, ये जो ये वाली आपके पास लाइन है ये आपके पास इन्फिनिटी तक फैली हुई है, और ये जो स्ट्रिप है आपके पास ये भी आपके पास x अप्रोचेस टू, ये वाली जो आपके पास प्लेट है ये भी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक फैली हुई है, और ये जो आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ y स्ट्रिप है ये भी आपके पास जो है वो एक इनफाइनाइट स्ट्रिप है। ऑब्वियसली ये प्लेट इनफाइनाइट है तो उनके दरमियान में ये स्ट्रिप भी इनफाइनाइट होगी क्योंकि इसने इंसुलेशन करनी है कि मतलब ये इंसुलेटेड है बिटवीन दी फ्रॉम दी टू प्लेट्स। ये कॉन्फ़िगरेशन जेड एक्स मतलब जेड पोजीशन को चेंज करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे पास दो डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ये अब हमने क्या करना है कि लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करनी है सबसे पहले। तो लैप्लास इक्वेशन जो है आपको पता है कि वो बराबर होती है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो के, तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर ऑफ वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ऑफ वी ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जेड पे जब कोई पोटेंशियल की डिपेंडेंस नहीं है तो ये आपके पास टर्म जीरो हो जाएगी, आपके पास सिंपल एक्स एंड वाई वाली टर्म सर्वाइव करेंगी। तो हमने बाउंड्री कंडीशंस देखनी है, बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या हमें बता रही हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये गिवन है कि ये जो y इज इक्वल टू जीरो वाला प्लेन है
ये वाई इजिकल टू जीरो वाला प्लेन नीचे वाला, इस पर पोटेंशियल जीरो है, वाई इजिकल टू ए के ऊपर भी पोटेंशियल जीरो है, एक्स इजिकल टू जीरो के ऊपर ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो वाई के वी नॉट वाई के बराबर है, और आपके पास अगर एक्स अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ऑब्वियसली अब अगर आप इससे दूर चले जाएंगे बहुत ज़्यादा तो आपके पास पोटेंशियल जो है वो जीरो होता रहेगा, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ से आप इस पॉइंट से जब बहुत दूर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास इन प्लेट्स की वजह से तो पोटेंशियल जीरो ही है, तो इसकी वजह से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली बात यह कि यहाँ से भी आपको ये बात क्लियर हो गई कि जेड के ऊपर डिपेंडेंस क्यों नहीं आ रही। देखें वाई के अलॉन्ग चीजें चेंज हो रही हैं, वाई जीरो के ऊपर पोटेंशियल एक प्लेट है, वाई इक्वल टू ए के ऊपर भी एक प्लेट है, तो वाई को तो पे डिपेंडेंस है, वाई आपको एक पीरियोडिसिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वाई इक्वल टू जीरो के ऊपर एक पोटेंशियल है, फिर वाई इक्वल टू ए के ऊपर भी सेम वही पोटेंशियल है, और इसके अलावा ये कि ये जो स्ट्रिप है ये एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर ये वाली प्लेट पड़ी हुई है। सेकेंडली आपके पास एक्स जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर आपके पास जो है वो पोटेंशियल जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जो जेड एक्सेस है हमारा उसके अलॉन्ग कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। जेड एक्सेस में आप इस तरफ एक्सटेंड करें या उस तरफ एक्सटेंड करें, प्लेट्स इसी तरह भरती जाएंगी और ये स्ट्रिप्स जो है वो भी इसी तरह उसके साथ भरती जाएगी, हर पॉइंट पे वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जेड एक्सेस के अलॉन्ग जो कि आपके पास है, एक पॉइंट पे होगी वही अलॉन्ग द हर पॉइंट मूव करेगी। वाई और एक्स के अलॉन्ग चेंजेस प्रोड्यूस हो रही है, जेड के अलॉन्ग कोई चेंजेस प्रोड्यूस नहीं हो रही और ना ही जेड के चेंज होने से कोई पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो जिसके चेंज होने से कोई चीज चेंज ना हो रही हो तो इट्स मीन कि वो आपके पास कांस्टेंट हो जाता है और फिर ऑब्वियसली उसका अगर उसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो आखिरी वाली है इन्होंने कहा है कि ये इस प्रॉब्लम के अंदर मेंशन नहीं की, लेकिन वही आपको मैंने बताया कि अगर लेट्स सपोज ये कोई एक हॉट स्ट्रिप है तो अगर जेड एक्स इक्वल टू जीरो पे पड़ी हुई है तो अगर आप इससे दूर जाते जाएंगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता रहेगा। तो हमने बाउंड्री कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई कर ली। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने पोटेंशियल को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। तो मतलब जैसे आपका जो पोटेंशियल है अब वो सिर्फ एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो उसको हम लिख देंगे वी ऑफ एक्स और वी ऑफ वाई की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर आपकी बुक में एक और नोटेशन यूज की हुई है ये हम भी ये वाली भी यूज कर सकते हैं, एक्स ऑफ एक्स और वाई ऑफ वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई थे ओरिजिनल और दो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में से लिख दिया, पहला हमारा स्टेप ये होता है। अब आपके पास इन्होंने कहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट दिस एन एब्सर्ड रिस्ट्रिक्शन, द ओवरवेलमिंग मेजर मेजोरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लॉस डू नॉट हैव सच अ फॉर्म। मतलब हर किसी की ऐसी फॉर्म नहीं हो सकती, लेकिन ये कि मिसाल के तौर पे जैसे इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है इस पोटेंशियल की, वी एक्स वाई बराबर हो 5x प्लस 6y का, तो आपके पास ये इक्वेशन 3.20 को सेटिस्फाई करता है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये पोटेंशियल, लेकिन आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन टाइम्स अवाई, मतलब एक्स को और वाई को आप अलहदा नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे जरूरी है कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो वाकई एक्स और वाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सके। अब यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन ये बताया गया है ये एक्स एंड वाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इसमें क्या है कि वी आर ऑब्वियसली वी आर ओनली गोइंग टू गेट अ टाइनी सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन बाय इट्स मीन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस लाप्लास इक्वेशन जो पीछे है इसको सॉल्व करके अगर हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसका मतलब है सारे पॉसिबल पोटेंशियल इस सॉल्यूशन इस मेथड से फाइंड नहीं कर रहे, बल्कि हम कुछ जो पॉसिबल जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं सिर्फ हम उसको फाइंड कर रहे हैं। तो ये भी एक मिरेकल हो सकता है तो कि आपके पास जितने आपने फाइंड किए हैं उसमें से कोई एक ऐसा हो जो कि आपके पास बाउंड्री कंडीशन हमारी प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। लेकिन अब ऑब्वियसली बिकॉज द सोल्यूशन वी डू गेट आर वेरी स्पेशल एट ऑन बाई यू पेस्टिंग देम टूगेदर वी कैन कंस्ट्रक्ट द जनरल सोल्यूशन। तो लेकिन हम जो सोल्यूशन इस मेथड से फाइंड करेंगे वो काफी स्पेशल होगा और हम लोग उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमें एक जनरल सोल्यूशन मिल जाए। जनरल सोल्यूशन मिल जाने का मतलब यह है कि उसमें हमने कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं है, उसमें एक जनरल सा सोल्यूशन होगा, उसमें हम वैल्यूज पुट करके कोई भी जो भी आपके पास वैल्यूज हैं हम आखिर में जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से जनरल सोल्यूशन जो है वो आपका निकलेगा।
तो हम लोग अब देखते हैं आगे हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, आपके सारे क्वेश्चंस के स्टेप्स ऑलमोस्ट यही होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो भी आपकी लैपलास इक्वेशन है, उस लैपलास इक्वेशन के अंदर आपने ये पोटेंशियल जो आपने ज्यूम किया, इसको आप पुट कर दें। मतलब वी की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है। ठीक है, तो अब आपके पास, आपको पता है ये x पे सिर्फ रिप्लाई होगा, y इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये पार्शियल स्केयर ऑफ x ओवर पार्शियल x स्केयर। फिर इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, ये आपके पास x वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पे, और ये हो जाएगा पार्शियल स्केयर ऑफ y ओवर पार्शियल y स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इसको डिवाइड करना है बाय वन ओवर, इस पूरे की जगह में y भी लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह में x भी लिख सकते हैं, x y से मैंने इसे डिवाइड कर देना। ठीक है, थोड़ा सा बार बार वो फंक्शन लिखना मुश्किल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर x पार्शियल स्केयर ऑफ x ओवर पार्शियल x स्केयर, जब आप डिवाइड करेंगे 1 ओवर y पार्शियल स्केयर ऑफ y ओवर पार्शियल y स्केयर इज इक्वल टू जीरो। फिर आपके पास, आप देखें कि आपके पास ये जो फंक्शन आया और ये जो फंक्शन आया, ये प्योरली x का फंक्शन है और ये प्योरली जो है वो y का फंक्शन है, तो इसको हम जी ऑफ y बल्कि लिख देते हैं। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली टर्म सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है, दूसरी टर्म सिर्फ y पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास इस तरह के फॉर्म में सोल्यूशन आ गया। तो आपके पास जो है ना, ऐसा तब भी सिर्फ पॉसिबली ट्रू है कि अगर f और g दोनों जो है वो कॉन्स्टेंट हो। तो आपके पास इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये दोनों फंक्शन जो है, जो हमारे पास आए हैं, ये कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट ये भी इस तरह से हो कि उनका सम हमें जीरो दे। ठीक है, मतलब एफ एक्स चेंज हो, जब अगर आप एक्स को चेंज करें तो, और अगर हम वाई को फिक्स रखें, तो फिर उसके बाद दोनों एक में से, अगर कोई भी एक चेंज होने से, अगर एक चेंज हो रहा है दूसरा कांस्टेंट भी रह रहा है, तो तभी तो ऑब्वियसली आपके पास सम उनका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इनके प्रोडक्ट को, इनका जो सम है उसको जीरो रखने के लिए जरूरी है कि दोनों कांस्टेंट हो, मतलब कोई भी वेरिएबल चेंज होने से ये चेंज ना हो, एक्स चेंज होने से ये चेंज ना हो, वाई चेंज होने से ये ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने ले लिया, ये जो एफ एक्स है इसको आपने किसी कांस्टेंट सी वन के बराबर ले लिया, और एफ वाई को आपने किसी कांस्टेंट सी टू के बराबर ले लिया। अब हमारे पास इस तरह से कि सी वन प्लस सी टू जो है वो आपके पास होना चाहिए जीरो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब ये हम अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर लेते कि कौन सा कांस्टेंट पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, हमने बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से देखना होता है। अब जैसे लेट्स सपोज ये पहला वाला जो है वन ओवर एक्स पार्शियल स्केयर ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, अगर हम इसको सी वन कहते हैं, और वन ओवर वाई पार्शियल स्केयर ऑफ वाई ओवर पार्शियल वाई स्केयर को हम लोग सी टू कहते हैं। तो अब हम लोग सी वन को पॉजिटिव ले रहे हैं और C2 को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, उसका रीजन है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि y एक्सिस के अलोंग पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी होने का मतलब यह है कि y इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल है, फिर वही पोटेंशियल y इक्वल टू a के ऊपर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है जिस p एक्सिस के अलोंग पीरियोडिसिटी आ रही होती है, वो वाला जो हम लोग उसका जो कॉन्स्टेंट है वो हम नेगेटिव लेते हैं, और मैं इसका रीजन आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों लेते हैं। फिलहाल हमने इसको नेगेटिव ले लिया, हमने c1 को ले लिया k स्क्वेयर के बराबर, ये भी एक रीजन है, इसको जरा सॉल्व करना कॉन्स्टेंट को आसान हो जाता है। c2 को मैंने माइनस k स्क्वेयर के बराबर ले लिया, तो वन ओवर एक्स पार्शियल स्क्वेयर ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर को जो है वो मैंने के स्केयर के बराबर ले लिया, और वन ओवर वाई पार्शियल स्केयर ऑफ वाई ओवर पार्शियल वाई स्केयर को माइनस के स्केयर के बराबर ले लिया। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब आपके पास क्या है, ये जो मैंने लिया के स्केयर के बराबर, तो इधर से मैं डिनोमिनेटर से एक्स को इधर ले आई और वाई को इधर ले आई,
तो मेरे पास हो गया, और पार्सल को मैंने कंप्लीट में चेंज कर दिया क्योंकि अब पार्सल रखने का क्या जरूरत है, अब तो सिर्फ एक के ऊपर ही डिपेंडेंस है। तो के स्केयर एक्स हो गया, और इसी तरह यहाँ पे डी स्केयर ऑफ वाई ओवर डी वाई स्केयर जो है वो बराबर हो गया माइनस के स्केयर वाई। ठीक है, अब ये दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई जिनको हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर चेंज कर दिया है। तो अब हमारे पास एडवांटेज ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा इजी होती हैं उनको सॉल्व करना। तो अब आगे ये जो है सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और आपको पता है कि इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो मैं इस मेथड अब आपको नहीं बताऊंगी। आपको पता है कि इस टाइप की अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ये जो इस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके पास ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन एक्स की फॉर्म में होगा, कैपिटल एक्स क्योंकि फंक्शन है स्मॉल एक्स का, और ये सोल्यूशन होंगे कोई कॉन्स्टेंट ई रेस को पार के एक्स प्लस बी कोई कॉन्स्टेंट ई रेस को पार माइनस के एक्स। और जो ये वाले है जो नेगेटिव वाला है इसका जो आपके पास सोल्यूशन होगा, आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, नेगेटिव वाले आपके पास इसके बराबर होंगे कॉन्स्टेंट, ये आपके पास देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वाले आपके पास साइन फंक्शन की फॉर्म में आएंगे। असल में जहां पे पीरियोडिसिटी थी मैंने आपको बताई थी कि वहां पे आपने नेगेटिव लेना है, तो वो क्यों लेना था, क्योंकि वहां पे नेगेटिव लेने से आपके पास साइन कोसाइन के फॉर्म में सोल्यूशन आता है, और आपको पता है साइन कोसाइन भी पीरियोडिक फंक्शंस है, तो इसलिए हम उनको नेगेटिव लेते हैं ताकि हमारे पास पीरियोडिक सोल्यूशंस आए। अब हमारे पास वी एक्स वाई आपको पता था वो बराबर था एक्स एक्स के और वाई वाई के। ठीक है, तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी तरह सी साइन के वाई प्लस टी कॉस के वाई। ठीक है, जब आप इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास होगा, पहले हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले हम इसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। असल में हमने अपने सॉल्यूशन को ऐसे लिखना है कि उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस जो है ना उनको वो सेटिस्फाई करें। तो जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको हम बारी बारी इन पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमारी जो फोर्थ वाली बाउंड्री कंडीशन थी वो ये था कि एक्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वी को जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप इसे देखें तो आपके पास इस केस में अगर आप एक्स को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएं तो ये ओवरऑल टर्म जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज जो है ना ये हमारे सोल्यूशन में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम ए को ले लेंगे जीरो। ठीक है, तो इसलिए हमने ए को यहाँ पे कर लिया जीरो। तो हमारे पास वी जो है वो बराबर होगा बी टाइम ई रेस के बाद माइनस के एक्स सी साइन ऑफ के वाई प्लस डी कॉज ऑफ के वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास जो बी कांस्टेंट है उसको हम अंदर ले जाते हैं और दूसरे कांस्टेंट्स के साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली सी और डी कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएंगे तो वो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको हमने सिंपल कांस्टेंट ही रहने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहला जो हमारा सोल्यूशन था वो हमें ये दे रहा था कि y इज इक्वल टू जीरो पे v को जीरो होना चाहिए। अब इस केस में अगर मैं y जीरो यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज जो है वो तो जीरो हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर y जीरो पुट करती हूँ तो ये जीरो नहीं हो रही, तो इट्स मीन के d को जीरो होना चाहिए, तो तभी हमारे पास पोटेंशियल जीरो आएगा। तो मेरे पास और यहाँ पे x था माइनस के एक्स सी साइन ऑफ के वाई बच गया। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉन्स्टेंट बच गया, सारे कॉन्स्टेंट जो है वो हमारे बाकी खत्म हो गए। अब आपने क्या करना है, अब हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू a के ऊपर v जो है वो जीरो है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अब y v को आपने जीरो करना है किसके ऊपर, जब आपके पास y जो है वो a के बराबर हो। ठीक है, ये आपके पास एक तरह की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये वाली टर्म तो ऑब्वियसली जीरो नहीं हो रही, इस वाली टर्म को जीरो होना चाहिए, मतलब साइन के ए को इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और साइन के ए कब जीरो होगा, मतलब जब के ए की वैल्यू आपके पास जीरो हो, पाए हो, टू पाए हो, थ्री पाए हो, सो ऑन। मतलब आपको पता है कि साइन कब जीरो होता है, जब थीटा की वैल्यू
एन पाई के बराबर होगी, और एन की वैल्यू आपके पास जो है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर ये साइन जो है वो जीरो हो जाएगा, तो यहां से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाय ए। तो जो कांस्टेंट हमने स्टार्ट में लिया था उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको पता चल रहा है कि क्यों हमने सी वन को पॉजिटिव लिया था, सी टू को नेगेटिव लिया था। अगर x साइनोसाइडल होता तो हम वी कुड नेवर अरेंज फॉर इट टू गो टू जीरो एट इन्फिनिटी। ऑब्वियसली दोनों पॉसिबिलिटीज एट अ टाइम नहीं हो सकती। अगर हमारे पास x साइनोसाइडल हम लेते हैं, x को नेगेटिव ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन होता और आपको पता है कि फिर वो कभी भी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जीरो ना होता। और अगर y एक्सपोनेंशियल होता तो वो हम कभी नहीं उसको x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो या y इज इक्वल टू a पे वैनिश कर सकते। मतलब अगर हम लोग y फंक्शन को पॉजिटिव ले लेते और उसका सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल आता तो किस तरह से हम फर्स्ट एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते। आइडेंटिटी इसी तरह हमने n, अब ये भी आप पूछ सकते हैं कि n इज इक्वल टू जीरो वाला केस हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एन इज़ इक्वल टू जीरो वो केस होता है जिसमें पोटेंशियल हर जगह वेरी कर जाता है। तो और हम लोगों ने इसलिए हम एन इज़ इक्वल टू जीरो नहीं ले रहे, और हमने नेगेटिव रीजन को भी पहले ही एक्सक्लूड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ओके, अब हमारे पास क्या हो गया, पहली कंडीशन भी, दूसरी भी लगा ली और चौथी भी लगा ली। तो जैसे हम जा रहे हैं यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अनलेस ये वाली कंडीशन, तो हमने क्या कर लिया कि अब ये वाली कंडीशन जब हमने अप्लाई करनी है तो हमने क्या करना है। तो आपके पास यूजिंग वी नॉट वाई जस्ट हैपन टू हैव द फॉर्म दिस फॉर इंटीजर्स सम इंटीजर एंड, वी कैन सिंपली कॉन्फिट द फाइनली बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, के पोटेंशियल हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो वो अब हम उसके लिए हम अब क्या करें। तो अब हमने कह रहे हैं, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो सेपरेशन ऑफ वैल्यू आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे फॉर एन, मतलब एन की डिफरेंट वैल्यू के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एन के इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, सॉल्यूशन भी जो है वो इनफाइनाइट है। तो लैपलास इक्वेशन जो है वो आपके पास वेर इज नन ऑफ देम बाय इटसेल्फ सैटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, इट इज पॉसिबल टू कंबाइन देम इन वे दैट डज, मतलब आपके पास इनको आप कंबाइन करना है किस तरीके से। इस तरीके से हमने लिखना है कि हमारे पास v1, v2, v3 इस तरह से हमने सोल्यूशन लीनियर सोल्यूशन की इसे फॉर्म में लिखना है और इनके कम्बिनेशन उसको कंबाइन करके एक उसका एक लीनियर कम्बिनेशन बनाना है। तो ये इन्होंने कहा कि आपके पास जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन हैं उनका आपने एक लीनियर कम्बिनेशन बना दिया, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड फ्लो ऑल्सो ऑन टू प्लस अल्फा n vn फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। ये हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन आ गया, इसके ऊपर आपने अब डेल स्केयर को अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब डेल स्केयर को अप्लाई किया अल्फा 1 कॉन्स्टेंट है तो डेल स्केयर v1 प्लस अल्फा 2 कॉन्स्टेंट हो गया, डेल स्केयर v2 एंड प्लस सो ऑन टू प्लस अल्फा n कॉमन ले लिया तो डेल स्केयर vn हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि ये इस तरीके से हमने अब क्या किया कि हमने जो है अगर हम देखें एक चीज, तो आपके पास इंडिविजुअली हर जो पोटेंशियल है, इंडिविजुअली हर पोटेंशियल जो है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हर पोटेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट्स मीन कि उसकी वैल्यू को क्या होना, उसके जो लैपलास को जब हम उसको सॉल्व करेंगे डेल स्क्वायर वी वन डेल स्क्वायर वी टू ये सब आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इधर से डेल स्क्वायर वी आपके पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इन अदर वर्ड आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो आपके पास जितने भी सोल्यूशन आ रहे हैं उन सबको इंडिविजुअली भी लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और उनके लीनियर कम्बिनेशन को भी। ऑब्वियसली जब इंडिविजुअली सेटिस्फाई करेंगे तो उनके लीनियर कम्बिनेशन भी सेट आएंगे। तो ये हमने क्या किया कि सेपरेट सोल्यूशन को पैचअप कर लिया, ठीक है। ये जितने भी सेपरेट सोल्यूशन थे थ्री, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्चुअली हमारे पास क्या है सोल्यूशन जो है वो तो ये था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको यूज करके हमने एक जनरल सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट। ओके क्लास, हम लोगों ने यहाँ तक फाइंड कर लिया था, ये हमने चेक कर लिया लीनियर कम्बिनेशन को, हमने इंडिविजुअली हर पोटेंशियल को पुट करके देखा, वो हमने कहा उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी पोटेंशियल को सेटिस्फाई करना चाहिए। और फिर हमारे पास ये इस तरह के हमने फॉर्म में आंसर लिख दिया कि आपके पास ये सोल्यूशन है, ऑब्वियसली एन की बहुत पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इसलिए हमने एन के ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया, के की जगह हमने एन पाई ओवर ए पुट कर दिया, ठीक है। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हमने पुट करनी है इस पोटेंशियल के अंदर, हम x को जीरो पुट करेंगे, x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल क्या है, v नॉट y, तो ये वाली टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी और ये टर्म आपके पास इसके बराबर आ जाएगी। इसके आगे हमने एक फोरियर ट्रिक यूज करनी है,
फोरियर ट्रिक ये होती है कि आपने ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें दोनों साइड पे आपने एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है और वो फंक्शन होगा साइन एन प्राइम पाई वाई बरे, मतलब यही फंक्शन होगा, सिर्फ एन की जगह आपने एन प्राइम कर देना है। तो दोनों साइड पे आपने एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है साइन एन पाई y ओवर a तो ऑलरेडी था, तो साइन n प्राइम पाई y ओवर a को इधर भी और इधर भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से a आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। सिंपल इस इक्वेशन के दोनों साइड पे साइन n प्राइम पाई y ओवर a को मल्टीप्लाई करके 0 टू a आपने इंटीग्रेशन कर दी। तो ये आपके पास एक फोरियर ट्रिक है, और फोरियर ट्रिक में आपके पास ये होता है कि ये चीज जो इंटीग्रल के अंदर आ रही है, अगर ये चीज जो है इसके दो पॉसिबल बेसिकली सोल्यूशन होते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं आगे, ये मैथ का कोर्स है, ये मैं नहीं करा रही, ठीक है। एन प्राइम अगर एन के बराबर होता है तो ये आपके पास जीरो हो जाता है इंटीग्रल, और अगर एन प्राइम अगर एन के बराबर नहीं होता तो ये जीरो हो जाता है, और अगर एन प्राइम जो है वह एन के बराबर होता है तो आंसर ए बाय टू के बराबर होता है। मतलब आपके पास एन और एन प्राइम अगर बराबर हो जाएं तो इसका आंसर ए बाय टू आएगा, और अगर ये दोनों बराबर ना हो तो आंसर जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने समीशन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन पे लगाया हुआ है, इसमें जब आपके पास जब भी एन एन प्राइम के बराबर होगा सिर्फ वो वाला सोल्यूशन सर्वाइव करेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो जब हम इसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो पूरा इंटीग्रल है ये a बाय टू से रिप्लेस हो जाएगा, समीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सिंगल टर्म है तो उसके ऊपर समीशन अप्लाई करने का क्या मकसद है, बाकी सब तो जीरो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास समीशन खत्म हो जाएगा सी एन मल्टीप्लाई बाय इस इंटीग्रल का आंसर a बाय टू आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये मैंने पहले भी फुल रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई है वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे वैसे जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये पोटेंशियल था, इसमें आपने k की जगह n पाई ओवर a पुट करना है, यहाँ पे मैंने पुट नहीं किया था, आप पुट कर लें। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन पुट की x इक्वल टू जीरो के ऊपर, यहाँ पे ऑब्वियसली x इक्वल टू जीरो आएगा तो ये टर्म वन हो जाएगी, तो x इक्वल टू जीरो के ऊपर पोटेंशियल वी नॉट था, तो ये आपके पास ये चीज आ गई। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अब आपने इस पर फोरियर ट्रिक अप्लाई करनी है, किस तरीके से ये वाली जो साइड है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके दोनों साइड पे साइन एन प्राइम पाई वाई ओवर ए डी वाई को मल्टीप्लाई करके जीरो टू ए इंटीग्रेशन कर ले, तो ये वाली जो चीज है इसमें से ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये वाली जो चीज है इस पर फोरियर ट्रिक अप्लाई होगी, जब एन प्राइम एन के बराबर होगा तो आपके पास पोटेंशियल जीरो होगा और ए बाय टू होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज है इसमें से सिर्फ आपके पास समीशन भी हट जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म बच रही है सी एन, और इसकी जो वैल्यू ए बाय टू वो बचेगी, और दूसरी साइड पे था जीरो टू ए वी नॉट वाई साइन एन पाई वाई डी वाई ओवर ए, ये बच जाएगा। अब ये वाली अब आपके पास यहां से फिर आप इसको उधर ले जाए टू बाय ए हो जाएगा, तो ये सी एन की वैल्यू आ गई। तो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो बस इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इस वी नॉट वाई की फॉर्म अगर आपको पता हो तो आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया था कि अगर वी नॉट वाई वी नॉट कॉन्स्टेंट किसी के बराबर हो जाए तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। इस इंटीग्रल का आंसर ये होता है, और इसमें यह होता है कि अगर एन की वैल्यू इवन हो तो आपको पता है अगर एन इवन हो तो आपके पास कॉज ऑफ 2 पाए 4 पाए 6 पाए जो है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। और अगर आपके पास n ऑड है तो cos पाए cos 3 पाए cos 5 पाए, तो इसकी वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 के बराबर हो जाएगा, 2 टू जो 4 वी नॉट n पाए, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये दो पॉसिबल सोल्यूशन आते हैं। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे हैं, n इवन के लिए अलग, n ऑड के लिए अलग। तो जब इस इक्वेशन में हम cn की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर n की वैल्यू सिर्फ अब इवन लेंगे क्योंकि ऑड के लिए ऑड लेंगे क्योंकि इवन के लिए तो इनके आंसर जीरो आ रहे हैं, तो हम एन को लेंगे इवन और जो उस कांस्टेंट की वैल्यू है वो वहां पे पुट कर देंगे। और फिर ये इन्होंने कुछ प्लॉट किया हुआ है ग्राफ, ये थ्री डायमेंशनल प्लॉट है, ये प्लॉट जो है ना ये आपको प्लॉट किया फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, एक टर्म लें तो आपके पास ये ग्राफ आता है, दो लें तो ये पांच लें तो ये बी आता है, दस लें तो ये डी वाला सी वाला आता है, और अगर आप 100 टर्म्स ले लें तो आपके पास डी वाला ग्राफ आ जाता है। तो ये ओरिजिनल जो ग्राफ है वो आपके पास ये वाला है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके क्लोज जो है वो आपके पास जब आना शुरू हो जाए, जितने ज्यादा टर्म लेंगे उतना अच्छा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आएगा। और आपके पास ये वाली जो चीज है ये इन्होंने इससे निकाली है, समीशन को ओपन करके इसके ऊपर इन्होंने ये इन्होंने कहा कि एक्चुअली हम इस समीशन को अगर ओपन करें तो इसके ऊपर एक्सपेंशन अप्लाई करें तो ये इसके बराबर आता है। तो ये भी आप खुद करेंगे, और ये एक्चुअली जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि इसके जरिए आप इजीली चेक भी कर सकते हैं कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहां तक ये अब एंड हो गया, अब हम नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे जिसमें हम लोग 3.4 प्रॉब्लम होगी, और ये वाला भी एग्जांपल 3.5 पे करेंगे। ओके क्लास।